गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो आज उठी हूँ, लाइक मैं 9:30 के अराउंड उठी हूँ। यस, पापा ने कहा, पापा कह रहे आज जल्दी नहीं उठना, मैं कहा नहीं मुझे थोड़ी देर और चलना था, तो 9:30 के अराउंड उठी गई हूँ मैं। और क्या कहते हैं, अभी बस वीडियो एडिट करती हूँ जो कल वाला व्लॉग है, उसके बाद फिर देखते हैं आज दिन का क्या करना है। आज तो सच कुछ हमें कहीं जाना नहीं है, बट जब घर में क्या कहते हैं फंक्शंस होने वाले हो ना, तो पता ही नहीं चलता कब एकदम से सडनली निकलना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो अब उठ के सारा काम वाम करते हैं जल्दी से, और फिर फ्री होकर बैठते हैं। सो आइए आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। अभी बस लंच करा है, मम्मी ने आज आलू की सब्ज़ी बनाई थी, और इतनी मम्मी ने मिर्च डाली है, पता नहीं हरी मिर्च, मेरे में से 3 हरी मिर्च निकली है, इतनी लंबी लंबी। मम्मी मुझे कह रही थी साइड में क्यों रख दी है, सब्जी नहीं है, हरी मिर्चें सारी मेरे में सब भर भर के डाल दूँ। मैं अभी तो कुछ मीठा खा रही हूँ, इतनी ज़्यादा स्पाइसी कर दूँ क्या? मम्मी ने आज क्या सोच के इतनी मिर्चें डाल दी है। पापा के लिए अनार छिलके भी पैक कर दिए हैं। गाइस, हम लोगों के पास इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं लोग का सेरेमनी से रिलेटेड, और तो हमने सोचा आज ना मतलब कमेंट्स का मतलब आंसर दे देते हैं, बिकॉज मैं कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं कर पाई बहुत दिनों से। बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग रोज़ जा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्रिपरेशन चल रही है, फ़ोनों पर ही सारा दिन निकल जाता है, अब तो ऐसा हो रखा है। सो सबसे पहले तो एक दो कमेंट्स आ रहे थे कि कहीं आप लोग ये शादी का प्रैंक तो नहीं कर रहे, भाई इतने दिन कोई प्रैंक नहीं खींच रहा। सच में हो रही है, अभी आपको पता चल जाएगा, 20 तारीख को पता चल जाएगा कि सच है कि नहीं है। तो आने वाली है 20 तारीख, और बस हफ्ता ही है, हफ्ते बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। एंड बहुत से लोग इधर गेस आ रहे हैं कि लड़का कौन है। तो कीप गेसिंग, जब जो होगा वो फाइनल दिखी जाएगा रोज़ का सेरेमनी में कौन है। और मेरे पास ना, मैंने ना मतलब आज ना इंस्टाग्राम पे भी पूछा हुआ था कि आस्क मी एनी क्वेश्चंस, तो सब के ही मोस्टली यही क्वेश्चन है, जीजू कौन है, रोका कब हो रहा है आपका, आपकी शादी कब हो रही है, जीजू की इंस्टाग्राम आईडी बताओ, उनका नाम क्या है, मतलब मोस्टली यही थे। मैंने रिप्लाई ही नहीं करा इसी चक्कर में, बस इसी टॉपिक पे ही सबके आ रहे थे क्वेश्चंस, सो इसी वजह से ही। और मतलब आज सबके मोस्टली ऐसे ही कमेंट्स है। तो अभी 20th को ही है रोका, और अभी हम लोग डिसाइड कर ही रहे कि कहाँ पे करना है, कैसे करना है। और मतलब हम सिर्फ फैमिली के ही लोग हैं, फैमिली में ही कर रहे हैं अभी। एंड क्या कहते हैं, मेरे पास एक का आया था कि आप लहंगा ले लीजिए, सो हम इतना बड़ा नहीं कर रहे कि अभी लहंगा लेने वाला हो। सो मैंने दिखाया है सूट लिया है, बट यस वो थोड़ा हैवी सूट है, अभी मैं रिवील नहीं करूँगी, वो रोका सेरेमनी वाले दिन ही आप लोगों को दिखेगा। बाकी मैंने सोचा हुआ है मेहंदी लगवा लूंगी मम्मी, है ना, मेहंदी आपने लगवानी है? नहीं, मैं नहीं, तू लगा, मैं भी देखते हैं मासी से भी पूछे जो लगवा रहे, फिर छोटा है तो मैंने कहा अगर पूजा लगाए तो ज्यादा बेस्ट है। तो मोस्टली सबकी यही है। मेरे पास ना जो मैंने ड्रेस वेयर करी थी बर्थडे पे, जिसके बर्थडे पे गई थी परी के, तो बहुत ज्यादा कमेंट्स आए कि ड्रेस बहुत सुंदर है। बाकी में गाइस बहुत अच्छी ड्रेस थी, फैब्रिक बहुत अच्छा है, और ड्रेस डाली हुई पूजा पे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत सुंदर थी। एक का ना कॉमेंट आया, पता नहीं क्या आया हुआ था कि ये क्या बच्चों वाली ड्रेस पहन रखी है, तुम बड़ी हो गई हो। भाई बच्चों वाली ड्रेस क्या है, मतलब ड्रेस ड्रेस होती है, बच्चों वाली बड़ी वाली क्या होती है, मैंने ऐसा कुछ बच्चों वाली ड्रेस नहीं पहनी। और बर्थडे पार्टी है तो बर्थडे पार्टी में ये सब चलती है, नॉर्मली भी पहने। बाकी सबकी अपनी अपनी फैमिलीज के अपने अपने हर एक का पहनने का, कपड़े पहनने का, रहने का, उठने का ढंग होता है, सबके अपने अपने होते हैं। तो प्लीज किसी अपनी, आप ये नहीं कंपेयर कर सकते कि हमारी फैमिली में ऐसा हो रहा है तो दूसरे की फैमिली में भी ऐसा ही हो। सबकी फैमिली के अपने अपने ही रूल्स रेगुलेशन, हर एक की अपनी लिमिट, जैसा जिसका दिल करे वो कर सकते हैं अपना, जिनके घर में रूल हो जो। और मेरे पास ये भी आते हैं, जब देखो फैशन 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 की बातें करते रहते हो, तो भाई फैशन की बातें मैं जो करती हूँ वो मैं दिखाती हूँ। मैं नाइट सूट में ही हूँ, अब मैं ऐसे ही दिख रही हूँ, जब मैं करती हूँ तो मैं दिखाती हूँ, जब नहीं करती तो नहीं दिखाती, सिंपल सी बात। हर समय इंसान फैशन करके भी नहीं बैठता, सुबह उठो फैशन में हो जाओ, वो चीजें नहीं होती, नॉर्मली भी रहना पड़ता है। हम रियलिटी दिखा रहे हैं जो है। अब मेरी पर्सनल, मुझे भाई मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मुझे मेकअप बहुत पसंद है, मैंने मेकअप सीखा, मेरे पास मेकअप बहुत सारा है, मेरे पास मतलब कोलैब में भी आ रहा है, तो मेरी क्या गलती है, पसंद है मुझे, मेरे पास है। सो व्लॉग का ये नहीं है कि क्या दिखाना है, जो मैं लाइफ, जो मेरी लाइफ है, जैसे मैं हूँ, जो मेरा नेचर है, वही चीज जो मुझे पसंद है वही चीज मैं दिखाऊंगी ना। तो मुझे मेकअप वेकअप भी पसंद है तो मैं वही चीज दिखाती हूँ। और मेरे पास एक का आया था कि आप जो मेकअप दिखा रहे हो इतना महंगा मेकअप होता है, सो मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती। जो मैंने मस्कारा दिखाया था, दैट वॉज फॉर ओनली
290 रुपीज, वो भी डिस्काउंट करके 270 रुपीज का पड़ रहा था। 270 रुपए का मस्कारा आई डोंट थिंक सो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बिकॉज महंगाई का जमाना है। टमाटर ही 170-200 के तो टमाटर ही हो गए थे अभी कुछ टाइम पहले, तो 270 का तो फिर भी मस्कारा मिल रहा है। काफी टाइम चलेगा। हाँ काफी टाइम चलेगा भाई, 4-5 महीने इजली निकलता है, 6 महीने भी निकल जाते हैं मस्कारा इजली निकलता है। टमाटर तो फिर भी मतलब टमाटर उसका तो चलो कोई कंपैरिजन नहीं, बट मैं स्टिल एक एग्जांपल दे रही हूँ, बिकॉज महंगाई बढ़ चुकी है। सो उसमें महंगा पता नहीं क्या था, और मेरे पास मेरे को होता है कि डील्स वगैरह जो अच्छी ऑफर्स आ रही है ऑब्वियसली ब्रांड्स मुझे सेंड करते हैं डील्स वगैरह के लिए, वो भी मेरा ही काम है, इट्स अ पार्ट ऑफ माय वर्क। सो व्लॉग में वही चीज दिखा रही, सो प्लीज इस चीज को भी लेकर थोड़ा मतलब, और हमें ये भी होता है जो चीज हमें पसंद आती है ना, देखो वो चीज अगर नहीं समझ आ रही तो मैं हम आप लोगों तक नहीं बोलेंगे। मेरे पास कितना सामान आ रहा है और उसमें से मैं कितना सामान बताती हूँ ये बताओ, कितना सामान मैं आपको बता रही हूँ जो मुझे वाकई में अच्छा लगा था वो मैंने आप लोगों को बताया। और जो लोग मस्कारा मंगवाएंगे भी मतलब ऑर्डर आए हैं मैंने देखे, तो जिन लोगों ने मंगवाया भी उनके पास जब ऑर्डर रिसीव होगा तो दे विल गेट टू नो कि सच में बहुत अच्छा मस्कारा है। आज तो बहुत ही लेजी डे है, मतलब आज ने ऐसे मन करा बस लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो, बस बैठ के मैं बिग बॉस ही देखी जा रही हूँ, बिग बॉस के जो OTT अभी सीजन चल रहा है वही देखी जा रही हूँ। सो आप लोग भी कमेंट्स में बताइए आप लोग भी अभी OTT सीजन फॉलो कर रहे हैं। सो मेरे पास ना अभी एक ऑफर आ रखा है, सो ऑफर है रियो हर्ब्स के मेकअप फिक्सर्स पे। सो मेकअप फिक्सर्स हमें क्यों चाहिए होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता, बिकॉज मेकअप करने के बाद हम इतना सब कुछ उस पर लगाते हैं, फाउंडेशन होते हैं उसको हम सेट करते हैं, सेट के बाद हमें एक स्प्रे चाहिए होता है जिससे मेकअप हमने जैसे का किया है ना वैसे का वैसे ही इंटैक्ट रहे। स्पेशली अभी जो वेदर चल रहा है गर्मी में स्वेटिंग आती है, सो पूरा का पूरा मेकअप खराब हो जाता है। सो इसलिए वी यूज सेटिंग स्प्रे, जितने भी प्रोफेशनल्स मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो सेटिंग स्प्रे यूज करते ही करते हैं। इससे क्या होता है, प्लस एक तो आपका मेकअप सेट रहता है, और जो भी हम पाउडर कॉम्पैक्ट यूज करते हैं ना उसको थोड़ा मेल्ट कर देता है, तो स्किन में वो एकदम से ना मतलब पाउडरी पाउडरी सा लुक नहीं आता। सो इस पे ना दो है, एक तो मैट है जो बिल्कुल जिन लोगों को मैट फिनिश पसंद है वो, एक है डूई जिससे ग्लो आ जाता है फेस पे। सो वैसे तो ये 999 का एक है, बट अभी ऑफर चल रखा है फ्लैट 50 का, सो कूपन कोड भी यही है फ्लैट 50, वैसे मैं कूपन कोड मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक आपको पड़ेगा ये 499 रुपीज़ का, 499 रुपीज़ का 100 ml का है, देखिए इतनी बड़ी बॉटल है, सो आपका इजली काफ़ी टाइम तक चलने वाला है, लाइक जो रेगुलर करते हैं उनका तो मतलब 2-3 महीने इजली निकल जाएगा डेली जो यूज़ कर रहे हैं, और जो कभी कभार यूज़ करते हैं उनके तो भाई 6-7 महीने इजली निकल जाएंगे। सो अगर आपको ये दोनों मंगवाने हैं तो दोनों 999 के पड़ रहे हैं, ये 999 में आपको दोनों मेकअप फिक्सेस मिल जाएंगे। और जैसे किसी को मतलब दोनों वैसे तो होने ही चाहिए, कभी हमें मैट चाहिए होता है कभी हमें क्या कहते हैं ड्यूई वाला चाहिए होता है, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस, जल्दी से मंगवा लीजिए बिकॉज ये वाला ब्लॉग आएगा कल, सो ये कल तक के लिए ही वैलिड है, उसके बाद नहीं होगा। एंड जो भी अपडेट्स होती है ना मैं अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज पे मेंशन करती हूँ, सो जिन लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। इधर मैं मम्मी ने आज बनाई है ये पनीर की मसालेदार सब्जी और इसके साथ में है रोटी सब्जी, इतनी ज्यादा टेस्टी लग रही है। आज तो भाई बहुत ज्यादा लेजी डे गया है, आज बस मैं लेजीनेस में ही रह गई। मेरे पास ना अभी ना इंस्टाग्राम पे जो मैंने बताया था ना, मैंने पूछा हुआ था आस्क मी एनीथिंग, सो मेरे पास कॉमेंट आया कि अभी आप अपने होने वाले उनसे मिलने जाते हो। सो यस, बीच बीच में मिलते हैं हम लोग, बट अभी शो नहीं कर रही मैं कि कहाँ जाते हैं कब मिल रहे हैं क्या नहीं, वो सब चीज़ें जो भी होगी वो आपको रोके के बाद से फिर पता चल जाया करेगी। सो एटलीस्ट एक बार रोका हो जाए उसके बाद फिर जो भी रहेगा। एंड मैंने यही बोला हुआ है कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रही हूँ, सो अब मेरे पास ना ये भी आ रखे थे जब मैंने बताया था ना कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रही हूँ, तो लोगों ने मुझे आप सब ने ही बोला हुआ था कि आप ना पहले ही चैनल स्टार्ट कर देना, रोके से ही स्टार्ट कर देना। सो यस, यही सोचा हुआ था कि रोके से ही मैं स्टार्ट कर दूंगी, फिर जैसे मिलने गई तो वो चीज़ें मतलब जो भी रहेगी वो आपको मेरे चैनल पर ही दिखा करेगी, मम्मी वाला जो होगा। एंड रोके के बाद से मम्मी को भी मोस्टली जो चैनल है ये वाला मम्मी ही हैंडल करा करेंगे, सो देट मम्मी को मतलब एक यूज टू हो जाए मम्मी भी इस चीज़ के लिए। 3 महीने है, नवंबर में शादी है, मम्मी इजली सीख ही जाएंगे, मतलब मम्मी तो काफ़ी चीज़ें मम्मी ने सीखी ही हुई है, बट पूरा स्टार्ट से एंड करना वो चीज़ें मम्मी को थोड़ा सा सीखना है, वो जल्दी मम्मी वो भी चीज़ें सारी सीख जाएंगे, साल से तो देख ही रहे हैं मम्मी, तो ईजी रहेगा। सो बस आज के लिए इतना ही, जाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।